हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प। स्टडी करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसकी हेल्प से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ के प्रोजेक्ट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग वन नेम मैनी फॉर्म्स। ये ग्रीक वर्ड होता है फ्रेंड, इसका मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स। नेम एक होगा लेकिन उसके रूप अनेक होंगे, वो अलग अलग तरीके से काम कर सकता है लेकिन नेम एक ही होगा। इन अदर वर्ड्स, वन ऑब्जेक्ट हैज़ मैनी फॉर्म्स और हैज़ वन नेम विद मल्टीपल फंक्शनलिटीज। जैसे मैं आपको बताया कि नेम एक होगा लेकिन वो काम अलग अलग तरीके से कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्लास मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन विद द सेम नेम। तो पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको नेम सेम दे सकते हैं लेकिन उनसे अलग अलग काम करवा सकते हैं, उनकी फंक्शनलिटीज अलग हो सकती है लेकिन नेम सेम होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, एट रन टाइम ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए ड्राइव क्लास मे बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए बेस क्लास। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए ड्राइव क्लास मे बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। जो ड्राइव क्लास का, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, कर क्या सकता है, करता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं, तो आपको इनहेरिटेंस भी पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, शीशा में इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको स्टडी करना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इनहेरिटेंस का टॉपिक अपलोड किया है, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप कितने तरह का होता है पॉलीमॉर्फिज्म? देर आर बेसिकली द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शीशा। फर्स्ट है स्टैटिक और कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है डायनेमिक और रन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक और कंपाइल, फर्स्ट वह है स्टैटिक और कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स हम कंपाइल टाइम पे डिसाइड करते हैं मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट से किस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, ये कंपाइल टाइम पे मुझे डिसाइड करना होता है। डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो होता है जिसमें फ्रेंड रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है। इनको हम प्रैक्टिकल से स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग। इसको फ्रेंड हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है अर्ली बाइंडिंग क्या होता है। फ्रेंड मैथड ओवरलोडिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, मैथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड मैथड ओवरलोड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। मैथड ओवरलोड मतलब एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मैथड हो सकते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। आप पैरामीटर्स के नेम चेंज कर दीजिए, पैरामीटर्स डिफरेंट करना पड़ेगा आपको फ्रेंड। एक सपोज एक मेथड के अंदर दो पैरामीटर हैं तो एक मेथड के अंदर आपको तीन करना पड़ेगा या एक करना पड़ेगा। इन ओवरलोडिंग द मेथड फंक्शन हैज द सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर। जैसे मैंने आपको बताया नेम सेम होगा लेकिन उसके अंदर पैरामीटर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज द डिसीजन ऑफ विच मैथड इज टू बी कॉल्ड इज मेड एट कंपाइल टाइम। तो फ्रेंड हमें कंपाइल टाइम पे डिसाइड करना होता है किस मेथड को हमें कॉल करना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, ओवरलोडिंग इज द कॉन्सेप्ट इन विच मेथड नेम्स आर द सेम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो फ्रेंड मेथड का नेम सेम होगा लेकिन उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं फ्रेंड। चलिए एग्जाम्पल, तो फ्रेंड मैंने विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, उसके अंदर क्लास है प्रोग्राम, उसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक क्लास ऐड करता हूँ इसमें, ऐड एक सी शार्प की क्लास ऐड करता हूँ। क्लास का नेम है कैलकुलेशन, क्लास का नेम है कैलकुलेशन, एक क्लास ऐड की मैंने फ्रेंड। ठीक है, क्लास सेट की है। अब फ्रेंड मेथड ओवरलोडिंग पहले हम स्टडी करेंगे, स्टैटिक
पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड, तो इसको स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग सीशा। तो फ्रेंड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मेथड ओवरलोडिंग, इसको स्टडी करेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग फ्रेंड क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग मतलब मेथड को ओवरलोड करना, नेम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो सपोज मैं फ्रेंड एक फंक्शन बना रहा हूं पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक रहने दीजिए, पब्लिक इंट एडिशन इंट फर्स्ट नंबर इंट सेकेंड नंबर रिटर्न फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तो फ्रेंड मैंने एक मेथड बनाया एडिशन, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर उन दोनों का सम करके रिटर्न कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे मेथड ओवरलोड करना है तो सेम नेम होगा फंक्शन का। अगर मैं इसी मेथड को फिर से बनाता हूँ, सपोज कीजिए नेम सेम है पैरामीटर भी सेम है तो क्या होगा? देखो फ्रेंड एरर आ गई है, एरर है रेड कलर का एरर है, कैलकुलेशन ऑलरेडी क्लास कैलकुलेशन ऑलरेडी डिफाइन से मेंबर कॉल्ड एडिशन विद द सेम पैरामीटर्स टाइप। तो अगर आप किसी मेथड में पैरामीटर्स को सेम करेंगे, नेम भी सेम होगा मेथड का, पैरामीटर भी सेम होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होंगे, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी कि इस तरह का मेथड पहले से ही डिफाइन है। तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड मेथड ओवरलोडिंग में, हमें पैरामीटर को चेंज करना पड़ता है। एक पैरामीटर और दे देंगे थर्ड नंबर, एक पैरामीटर और पास किया मैंने फ्रेंड। अब देखो कोई एरर नहीं, इसको बिल्ड कर लेते हैं। ये कंपाइल हो रहा है कोड, देखो फ्रेंड बिल्ड सक्सीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फ्रेंड डिपेंड कर रहा है मेथड के सिग्नेचर पे, इसे बोलते हैं मेथड का सिग्नेचर, मेथड का नेम भी है और पैरामीटर्स पे, इसको बोलते हैं मेथड का सिग्नेचर। कैलकुलेशन सेम हो रही है अंदर, यहाँ भी कैलकुलेशन सेम है, यहाँ भी कैलकुलेशन सेम है, दो नंबर का एडिशन है, लेकिन जो कंपाइलर है वो चेक कर रहा है मेथड के नेम को और पैरामीटर्स को, जिससे मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं फ्रेंड मेथड ओवरलोडिंग। तो डिपेंड करता है सिर्फ मेथड के सिग्नेचर पे ना कि कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन चेंज कर रहा हूँ थर्ड नंबर, इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड किया, बिल्ड सक्सीड। ठीक है फ्रेंड, अब इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड, मेन में जाएंगे, क्लास का नेम कैलकुलेशन इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डॉट, देखिए फ्रेंड एडिशन एक्सेस हो गया है, एडिशन को सिलेक्ट करेंगे। अब मेथड एडिशन मेथड की पैरेंथेसिस को ओपन करूंगा, तो देखो फ्रेंड वन ऑफ टू लिखा हुआ आ रहा है, वन ऑफ टू यानी कि दो मेथड इस क्लास के अंदर, पहला है एडिशन इंट फर्स्ट नंबर कॉमा इंट सेकंड नंबर, दूसरा है इंट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर। तो देखो फ्रेंड यहीं पे एक्सेस हो रहा है, यहीं से एक्सेस हो रहा है, यहीं चेक कर सकते हैं एरो कीज की हेल्प से, वन और टू एरो की से अप डाउन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कितने पैरामीटर पास करने हैं। सपोज मुझे पहले दो नंबर पास करना है 20, 30। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे रिजल्ट चाहिए तो ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, इसके डेफिनेशन में आ रहा है इंट, तो इंट टू नंबर एडिशन। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से डॉट एडिशन तीन नंबर पास करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको रिजल्ट में स्टोर करेंगे इंट में, थ्री नंबर एडिशन इस तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन टू नंबर
result plus two number addition. थ्री कर देंगे, थ्री नंबर एडिशन रिजल्ट कंसोल डॉट रीड लाइन. ठीक है फ्रेंड, इसको बिल्ड करेंगे तो देखो फ्रेंड बिल्ड हो गया. तो फ्रेंड इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. क्यों? क्योंकि फ्रेंड कंपाइल टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि किस मेथड को मुझे पहले कॉल करना है. तो सको सबसे पहले हमने दो नंबर वाले एडिशन को कॉल किया, फिर हमने थ्री नंबर वाले एडिशन कॉल किया. इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मीन्स कंपाइल करने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया किस मेथड को कॉल करना है. अब इसको बिल्ड करेंगे और रन करेंगे. रन करने के लिए फ्रेंड स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. ठीक है फ्रेंड, आउटपुट आपके सामने है, टू नंबर एडिशन रिजल्ट 50, थ्री नंबर एडिशन रिजल्ट 60. इस तरह से फ्रेंड हमने मेथड ओवरलोडिंग को स्टडी किया. तो फ्रेंड इस मेथड ओवरलोडिंग का फायदा क्या है, क्यों हम इसे यूज करें? फ्रेंड अगर आप किसी कोड को बार बार लिखेंगे तो वो मेमोरी लेता है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. आप सपोज एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, एक ही मेथड को बार बार लिख रहे हैं, तो वो मेमोरी अलग अलग जगह लेगा. तो फ्रेंड इसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, अनकैप्सुलेशन. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्यों आया था? ये इसलिए आया कि जब आईटी की शुरुआत हुई तो हमारे पास मेमोरी बहुत कम होती थी, 256 MB की रैम होती थी, 512 MB की रैम होती थी. तो इतनी ज़्यादा हमारे पास मेमोरी नहीं थी जिसको हम यूज़ कर सकें. जैसे आज के टाइम में तो मेमोरी की कोई कमी नहीं है, लैपटॉप में 4 GB रैम होती है, 8 GB रैम होती है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बढ़ा भी सकते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, तो हमें मेमोरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि मेमोरी कम यूज़ हो. तो उसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स आए, इनहेरिटेंस आया, पॉलीमॉर्फिज्म आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए आई कि हम मेमोरी को कम से कम यूज़ करें, और जब मेमोरी कम यूज़ होगी तो हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा. तो इसीलिए फ्रेंड जैसे एडिशन फंक्शन है, एडिशन फंक्शन एक यहाँ पे एक एडिशन फंक्शन है, तो हम मेथड का नेम हमने सेम क्यों रखा? मेथड का नेम सेम रखने का यही मतलब है कि जब नेम सेम होगा तो एड्रेस एक लगेगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता एडिशन को टू नंबर एडिशन, यहाँ पर लिखता थ्री नंबर एडिशन, तो टू नंबर एडिशन अलग मेमोरी भी आता है, थ्री नंबर एडिशन अलग मेमोरी भी जाता है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब एडिशन है, नेम सेम है, काम सेम है, तो हम क्यों ना एक ही फंक्शन का नेम यूज़ करें. तो इसलिए हमने यहाँ पर एडिशन यूज़ किया और हमने अंदर के पैरामीटर चेंज कर दिए, अंदर की फंक्शन चेंज कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अब हमने काफ़ी हद तक दो फंक्शंस की मेमोरी को सेम कर दिया, इसलिए हम मेथड ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं. तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क में बहुत सारी क्लासेज ऐसी जिनके अंदर मेथड ओवरलोडिंग हो रही है, बहुत सारे मेथड्स के नेम सेम है. तो अगर माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क में मेथड अलग अलग होते तो कितनी मेमोरी लेता? बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता. तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ किया और उन मेमोरी को जब वो एग्जीक्यूट होगा आपके रैम पे जाएगा तो मेमोरी कम लेगा, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हमने फ्रेंड मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेथड ओवरराइडिंग और डायनेमिक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ये क्या होता है फ्रेंड? फर्स्ट पॉइंट है डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग. इसको फ्रेंड लेट बाइंडिंग में कहते हैं. लेट बाइंडिंग मतलब रन टाइम पे. पहले था अर्ली बाइंडिंग, जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग था अर्ली बाइंडिंग, कंपाइल टाइम स्टैटिक. तो हमने कंपाइल टाइम पे डिसाइड किया किस मेथड कॉल करना है. लेकिन लेट बाइंडिंग में रन टाइम पे डिसाइड होता है कि किस मेथड को कॉल होने वाला है, किस मेथड की कॉलिंग होने वाली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग. हियर द मेथड नेम एंड द मेथड सिग्नेचर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड पैरामीटर टाइप मस्ट बी सेम एंड दे एंड मे हैव अ डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन. तो फ्रेंड इसमें डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग में हम बेस क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. मैंने क्या कहा फ्रेंड, फिर से बताता हूँ मैं आपको. बेस क्लास के मेथड को
जिसका नेम हो सकता है कुछ भी, पैरामीटर्स कुछ भी होते हैं, उस पूरे के पूरे मेथड को एज इट इज हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको, इससे भी मेमोरी हमारी काफ़ी बच जाती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेथड ओवरराइडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड, मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेथड ओवरराइडिंग कैन बी डन यूजिंग इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड, मेथड ओवरराइडिंग तभी होगी जब आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करेंगे। विद मेथड ओवरराइडिंग इट इज पॉसिबल फॉर द बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास टू हैव द सेम मेथड। तो मेथड ओवरराइडिंग के हेल्प से हम बेस क्लास के मेथड को एज इट इज चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको प्रैक्टिकल से स्टडी करते हैं। स्टूडियो में आते हैं तो फ्रेंड, मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूं, एक क्लास में ऐड कर रहा हूं फ्रेंड। तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं क्लास जिसका नाम है ड्राइंग नाम की क्लास को मैं ऐड कर रहा हूं। तो फ्रेंड, मैंने एक ड्राइंग क्लास को ऐड किया, क्लास का नेम है ड्राइंग। ठीक है फ्रेंड, एक हमने अलग से फिजिकल क्लास ऐड की जिसका नाम है ड्राइंग। तो फ्रेंड, मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ड्राइंग क्लास को मैंने यूज किया, मैंने एक क्लास बनाई है ड्राइंग, पब्लिक क्लास ड्राइंग, क्लास का नेम है ड्राइंग, उसके अंदर एक मेथड रखा मैंने एरिया और रिटर्न किया जीरो, उसका रिटर्न टाइप है डबल। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक क्लास और बनाई जिसका नाम है सर्किल, इसी के नीचे हमने एक क्लास और ऐड की जिसका नाम है सर्किल। सर्किल क्लास के आगे लिखा है कॉलन के आगे लिखा है ड्राइंग। तो फ्रेंड, जब कॉलन यूज करते हैं तो कॉलन ऑपरेटर सी शार्प में यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। अगर आपको किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो आप कॉलन ऑपरेटर यूज करेंगे। अब हमने इस सर्किल क्लास में इनहेरिट किया ड्राइंग क्लास। तो सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है, सपोज सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एरिया फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो एरिया फंक्शन को मैंने ड्राइंग क्लास में रखा है। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी ड्राइंग क्लास हो गई। ड्राइंग क्लास के नीचे सर्किल क्लास है, तो सर्किल का मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने एक क्लास ली ड्राइंग, उसके अंदर एरिया मेथड रखा है। ठीक है फ्रेंड, सर्किल क्लास में मैंने ड्राइंग क्लास को इनहेरिट किया, इसके अंदर रेडियस है, रेडियस को मैंने प्रॉपर्टी बनाया। देखो फ्रेंड, ग्रेड सेट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी मैंने आपको टॉपिक बताया था। अगर आपको प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो रेडियस को मैंने प्रॉपर्टी बनाया, सर्किल क्लास का एक मेथड है सर्किल, तो क्लास का नेम सेम है, मेथड सेम है, तो वो क्या होता है कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने इसके अंदर रेडियस को इनिशलाइज किया 5 से, और मैंने इसमें एरिया मेथड यूज़ किया है ड्राइंग क्लास का। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर से मैंने एक क्लास और बनाई जिसका नाम है स्क्वायर, सर्किल क्लास के नीचे हमने एक क्लास और बनाई, इस क्लास का नेम है स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर का भी एरिया फाइंड करना है, तो एरिया मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ड्राइंग क्लास के अंदर। तो मैंने स्क्वायर क्लास में ड्राइंग क्लास को इनहेरिट किया, फिर मैंने इस स्क्वायर क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट की जिसका नाम है लेंथ डबल टाइप की, फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्क्वायर, क्लास का नेम स्क्वायर, तो मेथड का नेम स्क्वायर, ये कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैंने लेंथ को इनिशियलाइज किया 6, और मैंने एरिया मेथड को इनहेरिट किया ड्राइंग क्लास में। तो क्योंकि हमने ड्राइंग क्लास में एरिया रखा हुआ है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ स्क्वायर क्लास के अंदर। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद एक क्लास और है फ्रेंड, रेक्टेंगल, मुझे रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। तो एक क्लास और बनाई हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी हमने ड्राइंग क्लास को हेड किया, इसमें दो प्रॉपर्टी बनाई है हाइट एंड विथ। एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर से हमने इनिशलाइज किया, और फिर से हमने एरिया मेथड को यूज़ किया है ड्राइंग क्लास के, ड्राइंग क्लास में एरिया मेथड है वहाँ से हमने यूज़ किया। तो फ्रेंड,
देखो सर्किल का भी एरिया होता है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं चाहता तो मैं सर्किल क्लास का भी अलग एरिया बना लेता, यहाँ पे लिख देता इसका नेम सर्किल एरिया। मैं स्क्वायर क्लास का भी एरिया बना सकता था, यहाँ पे लिख सकता था स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल एरिया, इस तरह से भी बना सकता था। लेकिन फ्रेंड जब प्रोजेक्ट में इस तरह की सिचुएशन हो कि फंक्शन के नेम सेम है लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी अलग है, तो आपको फ्रेंड पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना चाहिए। अब देखिए जब एरिया हमें एरिया फाइंड करना है तो फंक्शन का नेम सेम है ना, तो क्यों ना हम उसे अलग क्लास में ले जाएं, जैसे हमने इनहेरिटेंस में किया था, उसको अलग क्लास में ले गए, नेम सेम रखा हमने और उसको इनहेरिटेंस की हेल्प से इम्प्लीमेंट किया। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस तरह से ही काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो फ्रेंड अब एक बात नोट करने वाली है कि जो आपकी बेस क्लास है उसका नाम है ड्राइंग, ये बेस क्लास है, और ये नीचे जो इनहेरिट कर रहे हैं ये सब क्या है, चाइल्ड क्लास। तो फ्रेंड जिस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, जिस मेथड को हम इनहेरिट कर रहे हैं उसके सिग्नेचर में वर्चुअल लिखा हुआ है, वर्चुअल कीवर्ड, और जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है चाइल्ड क्लास में वहाँ पे लिखा हुआ ओवरराइट कीवर्ड। ये नोट कीजिए फ्रेंड, ड्राइंग क्लास के एरिया को मुझे इनहेरिट करना है तो इसको हमने लिखा है कीवर्ड वर्चुअल, और जो चाइल्ड क्लास है चाइल्ड क्लास में जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे हम लिख रहे हैं ओवरराइड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सी शार्प डॉट नेट के अंदर जिस मेथड को आपको इनहेरिट करना है, यूज करना है, उसको फ्रेंड हम बनाते हैं वर्चुअल मेथड ओवरराइडिंग के केस में। मेथड ओवरराइडिंग मतलब जब जब मेथड का नेम और सिग्नेचर सेम होता है। देखो यहाँ पे फ्रेंड कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, मेथड का नेम और सिग्नेचर सेम है, यहाँ भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, यहाँ भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में जिस मेथड को मुझे ओवरराइड करना है उसे बनाना पड़ेगा वर्चुअल, उसमें कीवर्ड यूज़ करेंगे वर्चुअल, और जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस वहाँ पे लिखेंगे ओवरराइड, मीन्स ये मेथड ओवरराइड होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है करने का कि आपको जिस मेथड को ओवरराइड करना है उसे आप वर्चुअल बनाएंगे, और जिस जहाँ पे वो ओवरराइड होने वाला है उसको आप ओवरराइड करेंगे। तो फ्रेंड ये माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि आप जिस मेथड को ओवरराइड करने वाले उसे वर्चुअल बनाइए, और जहाँ पे ओवरराइड हो रहा है वहाँ पे ओवरराइड। अगर ये आप कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सपोज आपने यहाँ से वर्चुअल हटा दिया, आपने यहाँ से डबल हटा, यहाँ से आपने ओवरराइड हटा दिया, तो फ्रेंड काम तो तब भी होगा, काम तो तब भी होगा, लेकिन ये डिफरेंट मेमोरी पे चले जाएंगे, ये भी अलग मेमोरी पे जाएगा, ये भी अलग मेमोरी पे जाएगा, क्योंकि हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मैं चाहता हूँ कि सेम मेमोरी से हम शेयर करें, सेम मेमोरी को शेयर करें, मेमोरी एक ही लगनी फंक्शन को, इस एरिया फंक्शन को एक ही मेमोरी मिले, वहाँ से हम इसे यहाँ पे उसको यूज़ कर लें, यहाँ पे भी यूज़ कर लें। तो उसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ पे इस मेथड को यहाँ पे जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप बनाएंगे ओवरराइड, और यहाँ पे बनाएंगे वर्चुअल। तो ये कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है जब आप मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से मेथड ओवरराइडिंग को यूज करते हैं, इन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हमने स्क्वायर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, स्क्वायर सबके, देखो फ्रेंड इंप्लीमेंटेशन अलग है, इस सर्किल का एरिया होता है लेकिन कैलकुलेशन अलग है, स्क्वायर का एरिया अलग होता है कैलकुलेशन अलग है, रेक्टेंगल का एरिया अलग होता है कैलकुलेशन अलग है। तो हम कैलकुलेशन फंक्शनलिटी अलग कर रहे हैं लेकिन नेम सेम रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जिसकी वजह से हमारी मेमोरी बच जाएगी, एक ही मेमोरी को हम शेयर कर पाएंगे, ये एक मेमोरी होगी इसको हम शेयर करते रहेंगे, अलग अलग मेमोरी नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, अब इस कॉल करेंगे इन क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के इनको कॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखो फ्रेंड इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो मेरी फर्स्ट क्लास एक सर्कल, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्कल, सर्कल ओबीजे डॉट एरिया। ठीक है फ्रेंड, मैंने कॉल किया इसको, एरिया क्या रिटर्न कर रहा है, डबल रिटर्न कर रहा है, तो डबल सर्किल एरिया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर
स्क्वायर एरिया, इसमें भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, डबल उसके बाद रेक्टेंगल, इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इनको प्रिंट करा लेंगे, सर्किल एरिया इज सर्किल एरिया, स्क्वायर एरिया इज स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल ठीक है फ्रेंड। तो हमने क्या किया, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने मेथड को कॉल कर लिया उस क्लास के, ठीक है फ्रेंड। सर्किल क्लास में एरिया है, इसको कॉल किया इसके ऑब्जेक्ट से, स्क्वायर क्लास में एरिया है, इसके मेथड ऑब्जेक्ट से कॉल किया, ऐसे रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किया। अब इसको रन करेंगे फ्रेंड, एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर से की है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते इनिशियलाइज हो जाएंगे वैल्यू और एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड आपके सामने आउटपुट है, तो फ्रेंड हमने इस तरह से मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट किया। तो फ्रेंड क्या ये सही तरीका है, हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास के ऑब्जेक्ट से सर्किल क्लास के मेथड को मुझे यूज़ करना है, सर्किल क्लास के मेथड को मैंने कॉल किया क्लास के ऑब्जेक्ट से, स्क्वायर क्लास के अंदर मेथड था एरिया उसको कॉल किया स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट से, रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसके मेथड को कॉल किया, क्या ये सही तरीका है, क्या इसी को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं? नहीं फ्रेंड, ये गलत तरीका है, इस तरीके से हम मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। ये कौन सा मैंने नया काम किया है कि सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने मेथड कॉल कर लिया, ये कौन सा मैंने नया काम किया है? कोई ये कोई बहुत टफ काम है, ये कोई स्पेशल काम किया है? हाँ, मैंने सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड कॉल किया, तो क्या ये मेथड ओवरराइडिंग हो गई? मेथड ओवरराइडिंग ये नहीं होती है, मेथड ओवरराइडिंग होती है बेस क्लास रेफरेंस वेरिएबल से ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल करना, इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल करना इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये वो लाइन सुनना चाहेगा कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से ड्राइव क्लास के मेथड कॉल करना इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। ये कौन सा नया काम है? ये मैंने एक सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, क्या ये मेथड ओवरराइडिंग हो रही है? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो सिंपल काम है जैसे हम पहले भी कर सकते हैं, तो सिंपल काम है, फिर इसका क्या रोल रह गया? तो फ्रेंड मेमोरी तभी एक्सेस होगी जब हम बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को ही पता है कि ये मेथड कहाँ पे रखा है मेमोरी में। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, उसका वेरिएबल्स को, उसके फंक्शंस को, उसकी मेमोरी क्या है। तो इसी तरह से यहाँ पे बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को तो पता होगा ये एरिया मेथड कहाँ पे रखा मेमोरी में, तो इसीलिए हम बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करेंगे इस एरिया मेथड को, तभी मेथड ओवरराइडिंग होगी, अदरवाइज ये अलग मेमोरी पे चला जाएगा। तो ये अलग मेमोरी पे जा रहा है अभी, ये अलग मेमोरी है, ये अलग मेमोरी है, ये अलग मेमोरी है। तो क्या कहा फ्रेंड, कॉलिंग ड्राइव क्लास मेथड विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास रेफरेंस वेरिएबल, बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से आप ड्राइव क्लास के मेथड कॉल करेंगे, तो बेस क्लास से आपकी ड्राइंग, तो बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा और ये ड्राइव क्लास के
ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल करेगा। किस तरह से फ्रेंड, देखो इस तरह से। तो यहां पे हम लिखेंगे ड्राइंग, ड्राइंग इस तरह से, यहां पे लिखेंगे ड्राइंग, फिर यहां पे लिखेंगे ड्राइंग, तो फ्रेंड मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सर्किल का। देखो न्यू कीवर्ड लिखा है, क्लास का नेम है सर्किल, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सर्किल का, लेकिन बेस क्लास रेफरेंस वेरिएबल बनना है ड्राइंग का। तो ड्राइंग के क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को पता होगा कि एरिया कहाँ पे है, ये जो एरिया मेथड है, ये ड्राइंग क्लास के अंदर एरिया मेथड है, तो इसके बारे में किसे पता होगा, ड्राइंग क्लास को तो पता होगा, ड्राइंग क्लास के ऑब्जेक्ट को तो पता होगा। तो ड्राइंग क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो बताएगा सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट को कि ये एरिया मेथड कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ कॉल करना है आपको। तो इसीलिए मैंने ड्राइंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इस रेफरेंस वेरिएबल से कॉल किया मैंने एरिया को, इनहेरिट इसको ओवरराइड किया है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, इस रेफरेंस वेरिएबल से कॉल किया है एरिया को, ये एरिया किसका है, ड्राइंग क्लास का मेथड है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही किया, ठीक है फ्रेंड। अब इसको रन करते हैं, आउटपुट सेम आएगा, ये देखो आउटपुट सेम है फ्रेंड, फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन डिफरेंस होता है जब तक आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो डॉट नेट में मेथड ओवरराइडिंग, बेस क्लास के मेथड को जिसको आपको इनहेरिट करना है उसे बनाएंगे वर्चुअल, और ड्राइव क्लास के मेथड जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसको बनाएंगे ओवरराइड, और उसके बाद बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तब होता है मेथड ओवरराइडिंग, अदरवाइज मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा, वो डिफरेंट मेमोरी एक्सेस करेगा, डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं चाहता हूँ एक ही मेथड को मैं सेम मेमोरी से शेयर करूँ, तो इसके लिए मुझे ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड हमने स्टडी किया, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सी शार्प का पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम रन टाइम, कंपाइल टाइम पे मेथड ओवरलोडिंग होता है, हम कंपाइल टाइम पे डिसाइड करते हैं किस मेथड को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और रन टाइम पे डिसाइड होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में, मेथड ओवरराइडिंग के हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं।